हरियाणा सरकार के मंत्री प्रदेश के स्कूलों के उम्दा होने के कई दावे करते हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल फतेहाबाद के रतिया गर्ल सरकारी स्कूल की ये बिल्डिंग खोलती है, जहां पिछले दिनों हुई बारिश के चलते इस सरकारी स्कूल में बनी एक बिल्डिंग में करंट आ गया था और छत से पानी टपकने लगा। इस बिल्डिंग की हालत खस्ता बनी हुई है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। वहीं जब ये मामला सामने आया तो आज फतेहाबाद उपायुक्त ने स्कूल का निरीक्षण किया और खस्ता हाल बिल्डिंग को ठीक कराने के आदेश दिए। बिल्डिंग में कुछ मेरे नोटिस में आया कि पानी लीकेज होता है, जिससे करंट भी आता है, तो उसका तुरंत प्रभाव से मैं कार्रवाई कराऊंगा, कुछ फंड्स देंगे ताकि छत पक्की हो जाए और किसी तरह का लीकेज ना हो पानी का और करंट भी ना लगे। सर, आज भी छात्राओं ने सरकारी स्कूल का घेर बंद कर प्रदर्शन किया है कि किताबें, वजीफा, अन्य समस्याओं को लेकर। नहीं, बुक्स तो अभी प्रोवाइड की जा रही हैं, ऐसा कोई सभी क्लासेस की बुक्स आई हुई हैं और बुक्स बांट दी हैं और बाकी प्रोसेस में। सर, ये बिल्डिंग में काफी करंट आ रहा था, हालत भी खस्ता है। हाँ, नहीं अभी नोटिस में आया है तो मैंने बोल दिया अभी फंड प्रोवाइड कर देंगे, जिससे छत पक्की करा देंगे और बिजली का प्रॉपर अरेंजमेंट कराएंगे। वहीं इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही बजट बना कर दिया जाएगा, जिससे बिल्डिंग को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को अभी तक किताब नहीं मिली हैं, उनको किताबें भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएंगी। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।